मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज हमीरपुर जिला के एक दिन के दौरे पर थे। जयराम ठाकुर ने इस दौरान हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य में रेल नेटवर्क के विस्तार का प्रदेश सरकार का आग्रह मान लिया है। उन्होंने कहा कि अब जल्द ही हमीरपुर और कांगड़ा जिला में रेल नेटवर्क बढ़ाने पर तेजी से काम होगा। ऊना से हमीरपुर को रेलवे लाइन लाने के लिए सारी डिटेल में डिस्कशन हुई है और उसमें एक पॉइंट हमारा डिसाइड हुआ, जहां हमारा ये मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के करीब जैसा वो पॉइंट है, जहां तक रेलवे नेटवर्क, क्योंकि वहां से आगे का दूसरा पार्ट जो है उसमें जो टनल है उसकी कॉस्ट जो है वो लगभग 2000 करोड़ रुपए जा रही है सीधे, तो इसलिए पहले तय किया कि पहले वहां तक पहुंचाएं। शायद मेकल में यहां से 8-10 किलोमीटर की दूरी पर वो पॉइंट होगा और उसके बाद वहां से संभावना इस बात की भी है कि वहां से आगे हम कांगड़ा जिला को भी अगर रेलवे नेटवर्क बढ़ाना चाहें तो वो भी सरल होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात कर रोपवे के क्षेत्र में काम करने का सुझाव दिया था। केंद्र ने इसे अब बजट में शामिल कर पूरे देश में लागू करने का प्रावधान कर दिया है। 80 के करीब हमारी पंचायत है जहाँ पर कनेक्टिविटी की अभी थोड़ी कठिनाई है, पंचायत हेडक्वार्टर नहीं कनेक्ट हो पाए 3615 पंचायतों में। तो जब हमने उसका रीजन पूछा तो मालूम पड़ा कि एक तो फॉरेस्ट की क्लियरेंस का इशू है, दूसरा जो है वो टेरेन इतना टफ है, मुश्किल है, तो वहाँ अभी बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा समय लगेगा सड़क को पहुँचाने के लिए। तो फिर उसके बाद चर्चा के माध्यम से एक विषय निकला कि क्या ये संभव है कि हम रोपवे के माध्यम से कनेक्टिविटी को जो है वहाँ पर करने की स्थिति में हो सकते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार के पास तो संसाधन नहीं है। तो हमने तुरंत उस बैठक के बाद प्रधानमंत्री जी को भी लिखा और निर्मला सीतारमण जी को भी लिखा और दोनों से प्रधानमंत्री जी से मिलने का भी हुआ और फाइनेंस मिनिस्टर से भी हमारा मिलना हुआ। मिल करके हमने आग्रह किया कि इसको बजट प्रोविजन के अंतर्गत केंद्र से डाला जाए, जहाँ सड़कें नहीं पहुँच रही हैं वहाँ सड़कें पहुँचाने में सुविधा होगी। सड़कें बढ़ने से पेड़ कटेंगे, फॉरेस्ट प्रॉपर्टी को उसमें डैमेज होगा, पर्यावरण खराब होगा, तो ये बहुत सरलता से किया जा सकता है, सहजता से किया जा सकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वित्त मंत्रालय ने उस प्रस्ताव को हमारे स्वीकार किया और आज पूरे देश भर के लिए उसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज इसका जिक्र किया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर केंद्रीय बजट की सराहना की और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था विषय पर प्रधानमंत्री का संबोधन भी सुना। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में बनी प्रयोगशालाओं का लोकार्पण भी किया।